हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर। आज की ये वीडियो रिव्यू वीडियो है, अनबॉक्सिंग करने की वीडियो है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं कि मैं आपको दिखा सकूं तो हवावी की टैबलेट का। तो दोस्तों, अगर आप लो बजट के अंदर रहते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस वाली टैबलेट को सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि हवावे ने ये dTab कम्पैक्ट 8.0 ये लॉन्च कर दी है। तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि हाउ इट लुक लाइक और इसके अंदर इसकी फिजिकल लुक क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ये कंप्लीट हम आज बात करेंगे, इसकी प्राइस क्या है पाकिस्तान में, ये कंप्लीट मैं आपको शो ऑफ करवाऊंगा। तो मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। मेरे पास इस टाइम बटन है, मैं इसी से आपको ओपन करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, इसको हम बाहर निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज इनसाइड। इनसाइड जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कंपनी ने हाइलाइट्स किए हैं वो आपको शो करवाता जाऊं। ये देखिए, ये इसका नाम है हवावे dTab कम्पैक्ट 8.0 और इसमें इसके मेन फीचर जो है वो मैं आपको थोड़े से बताता हूँ। जैसे ये कंपनी ने हाईलाइट शो किए हैं कि इसके अंदर दोस्तों इसकी जो रैम है वो 2 GB बेस्ट मुझे लगी है टैबलेट के अंदर। टैबलेट अक्सर जो है ये परफॉर्मेंस अपनी स्लो करती है, रैम होती है कम मिलती है इसमें लो बजट के अंदर। तो इसकी रैम जो है वो 2 GB, ये आपको याद रहे, रैम है 2 GB और इसकी इंटरनल जो मेमोरी है वो भी बेस्ट है। दोस्तों इंटरनल मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो आपको मिलेगी 16 GB। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने करेक्ट सुना है, 16 GB इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको मिलेगी। 2 GB रैम मिलेगी, 2.0 GHz का इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बेस्ट प्रोसेसर है इस टैब के लिए इतने बजट के अंदर रहते हुए। और थोड़े इसके फीचर की मैं बात करूं तो इसका जो वेट है दोस्तों वो आपको मिलेगा 345 ग्राम के अंदर। तो जो बेस्ट एक और मुझे लगी है जिसने मुझे मजबूर किया है, इसको मैं आपको बताऊं कि इसकी जो रेजोल्यूशन है, इसकी ये डिस्प्ले जो है 8 इंच टैबलेट है, 8 इंच टैबलेट है ये। और इसका डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो मैं आपको बताऊं तो वो है 1200x1920। जी हाँ दोस्तों, ये रेजोल्यूशन होती है, ये मेरा ये कंप्यूटर की तो चलो RE1 भी ज्यादा, ये मेरा लैपटॉप है आप देख सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट इतनी है 1200x1920। ये लैपटॉप के अंदर रेजोल्यूशन होती है, तो हवावी ने अपने ये टैबलेट के अंदर हमें ये प्रोवाइड की है रेजोल्यूशन 1200x1920। तो ये बेस्ट इसका करें के फीचर है। तो मैं थोड़ा सा इसका हाइलाइट्स अगर आपको दिखाऊं तो ये 1 GB रोम हमें देखने को मिलेगी DOIG, 2 GB रोम हमें देखने को मिलेगी DO2H और 3 GB रोम हमें देखने को मिलेगी DOIJ। और जैसा कि ये थोड़ा सा इन्होंने अपना हाईलाइट किया 16 GB टैबलेट इसकी स्टोरेज है। और दोस्तों इसका डुअल कैमरा कैमरा अगर भी आपको शो करवाऊंगा बेस्ट रिजल्ट है। तो इसका डुअल कैमरा 5 MP में, और एक और जो बेस्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है इसकी बैटरी। बैटरी जो इसकी है वो है 4650 mAh की बैटरी, 4650 mAh की जो बैटरी है बेस्ट बैटरी है इसके लिए। तो इसमें एक मैं बात आप नोट कर रहे हैं, ये सेल्यूलर नहीं है, इसमें कॉल के लिए सुनने रहती, बाकी हर चीज है इसमें डाटा सिम सपोर्टेड है, यानी आप व्हाट्सएप, आप इमोशन में, यूट्यूब, हर चीज इंटरनेट आपका जोड़ेगा इसमें, और ब्लूटूथ है और वाईफाई जो जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि ये 4G LTE इसमें है और एंड्रॉइड बेस्ड ये डिवाइस है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन
और मैं आपको शो पे बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड इसको ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्बे के अंदर क्या है। ये देखें, इसको हम रखते हैं साइड पे और ये टैबलेट है। ये देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना डेट इसको जाऊंगा, इसके अंदर क्या है ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चार्जर वगैरह इसके अंदर है और बुकलेट वगैरह है जो अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो ये टैबलेट है, मैं आपको शो करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये टैबलेट है, इसको मैं निकालता हूँ अंदर से, आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए, तो इसकी लुक एंड फील के बारे में अगर थोड़ी हम बात करें तो ये कंपनी ने पीछे इसके कुछ अपना बताया हुआ है इसका कि ये मॉडल कौन सा है। ये देखिए dTab है D02H, ये टैब है, मॉडल है। और इसके अगर हम फिजिकल लुक के बारे में पहले बात करें तो हमें ये राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड पे हमें ये बिल्कुल स्लिम वेट टैबलेट है, बेस्ट कहने के इसका डिजाइन जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके राइट साइड पे हमें ये ऊपर एक बटन पावर बटन देखने को मिलता है, उसके नीचे एक बड़ा बटन देखने को मिलता है जो कि वॉल्यूम को हैंडल करने में हमारी गले को हेल्प आउट करता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये इसकी बेस्ट जो मुझे एक और चीज लगी है वो इसका डुअल स्पीकर साउंड सिस्टम है जो बड़ा बेस्ट मुझे लगा। इसके ये देखो दोस्तों दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी स्पीकर है और इसके ये देखें इस साइड पे भी स्पीकर है। ये दोस्तों दोनों साइडों पे इसके, मैं आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ DSLR इसको फोकस कर सके। ये और ये दोनों साइडों पे इसके स्पीकर है और हमें इसके बाद ये इसका कैमरा देखने को मिलता है, दिस वन इज द कैमरा। और ये ऊपर वाली साइड पे ये हमें फ्रंट पे भी इसका फ्रंट पे एंगल है वो देखने को मिलता है। और देन ये पहले के USB पोर्ट है चार्जिंग केबल के लिए, ये हमें देखने को मिलती है। और ये हेडफोन के लिए स्लॉट बनी हुई है। तो ये इसकी लुक एंड फील है दोस्तों। तो ये बेस्ट चीज है टैबलेट 8 इंच के अंदर 1200x1920 रेजोल्यूशन, ये लैपटॉप के अंदर रेजोल्यूशन आपको मिलती है। तो ये हवावे इस टैब के अंदर इस प्राइस में, लो प्राइस के अंदर दोस्तों, पाकिस्तान में आपको 12,000 से लेकर 13,000 की रेंज में इजिली मिल जाती है। तो ये मुझे तो इस प्राइस के अंदर बेस्ट चीज लगी है। इसका डिजाइन जो है स्लिम सा है तो बड़ा बेस्ट है। चलो मैं आपको इसको थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ, सेटिंग करने के बाद दोबारा आता हूँ आपको इसके इंटरनल जो फीचर है थोड़े वो दिखाता हूँ, इसका कैमरा शो करवाता हूँ और बाकी चीजें आपको शो करवाता हूँ। स्टे विद मी। तो चलिए दोस्तों इसकी सेटिंग मैंने कर ली है जो बाई डिफॉल्ट की थी, मैंने की है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखे तो मैं आपको इसकी थोड़ी अंदर की जानकारी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों फुल आप बोले तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव है, इसका टच रिस्पॉन्सिव है। और ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बोले बोला कि इसकी रेजोल्यूशन 1200x1920 है जो बेस्ट है एक्चुअली रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं आपको इसकी सेटिंग में जाकर थोड़ा अबाउट सेक्शन में जाकर आपको इस टैब के बारे में बताता हूं। ये देखिए दोस्तों जैसे कि मैं पहले आपको बताया सारी चीजें वही है कि इसकी रैम जो है वो मैं आपको एडवाइस में आता हूँ। इसकी रैम 2GB है, 2 GHz ऑक्टा कोर का इसका प्रोसेसर है। और ये देखिए दोस्तों 16GB जो है इसकी इंटरनल मेमोरी है और इंटरनल का बटन बताया गया, रेजोल्यूशन है 1200x1920 इसकी रेजोल्यूशन है। और इसका मॉडल नंबर बताया गया है और कलर वगैरह
वे आपकी टर्म्स ये बताइए दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो को लेकर किसी किस्म का भी इस टैब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें। इवन तो मैं हर सिंगल क्वेश्चन का हर सिंगल कमेंट का आंसर भी देता हूँ, चेक रही है कमेंट और चेक रही है कि मैं रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता, मैं डेफिनेटली अलहमदिल्ला करता हूँ। तो इसका मैं जैसे कि आपको वीडियो पे आ रहा मैं आपका कैमरा शो करवाऊंगा, इसी कैमरे का ध्यान रखना और मैं वीडियो क्वालिटी का भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट कैमरा दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊं, ये इसका फ्रंट कैमरा और मेरे जो ऊपर लगी हुई थी लाइट जैसा लगा के ऊपर उसकी आई थिंक 100 में बैटरी डाउन थी, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, पहले मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको ऐसी शो करवाता हूँ। ये इसका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसका फ्रंट कैमरा है, ये देखे ये DSLR की बना रहा है, ये इसका फ्रंट कैमरा है। अब इसको इसका मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, ये देखे दोस्तों, ये इसका बैक कैमरा और बेस्ट कैमरा है इसका, ये देखे हाई क्वालिटी की इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है। और मैं आपको अगर दिखा सकूं इसकी, ये देखें मैं वीडियो प्रोवाइड कर वीडियो आपको रन करके दिखाता हूँ, इसकी ये क्वालिटी, इसकी वॉइस क्वालिटी जो बेस्ट है, बिफोर साउंड इसके अंदर लगे हुए हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। हम कुछ भी खोल लेते हैं, अगर मैं आपको कोक स्टूडियो ओपन करके शो करवाता हूँ इसकी जो क्वालिटी है वॉइस क्वालिटी, ये देखिए इसकी आवाज दोस्तों सुनिएगा, इसका बफर सिस्टम है, ये चेक कीजिएगा, चलिए दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपको भी अच्छा लगे इसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर मेरी जो मेरे नए आए हैं चैनल पे उससे रिक्वेस्ट है हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।